हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं तुलसी अदरक की चाय, जो कि विंटर सीजन स्पेशल है। इसे आप बनाकर ज़रूर पीजिएगा विंटर सीजन में। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए, जिसे हम गुड़ से बनाएंगे, तो ये हर्बल टी आप बोल सकते हो इसे। इसके लिए फ्रेंड, आप इस मेरी रेसिपी को पूरा देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। इसके लिए फ्रेंड देखिए, मैंने ये तुलसी पत्ता ले लिया है, थोड़ा सा गुड़ है, और अदरक को मैंने पीस लिया है, दो लौंग है, दो काली मिर्च है, और एक बड़ा इलायची, और थोड़ा सा चाय पत्ती, तुलसी पत्ती। तुलसी पत्ती को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और चाय पत्ती एकदम कम ही यूज़ करना है आपको, नहीं तो चाय कड़वी हो सकती है। ब्लैक टी में चाय पत्ती हम कम डालते हैं, नहीं तो चाय जो है कड़वा हो जाता है, इसलिए ब्लैक टी में चाय पत्ती मैंने कम यूज़ किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, और गुड़ अपना स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, एक बर्तन में मैंने 4 कप पानी गर्म होने रख दिया है, और इसमें अदरक और तुलसी और इलायची, लौंग और काली मिर्च जो है उसे कूटकर हम इसमें डाल देंगे, और इसे पहले अच्छे से पकने देंगे बॉईल होते तक। जब अच्छे से बॉईल होके आधा हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा, जिससे इसका जो तुलसी पत्ता, अदरक और जो भी हम इसमें डाले हैं उस अच्छे से पक के इसमें में मिक्स हो जाएगा, और उसके गुण जो है वो पानी में आ जाएगा। पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तुलसी पत्ता के कारण। ये देखिए, बॉईल होना शुरू हो गया है, इसे अच्छे से बॉईल होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। जितना अच्छे से बॉईल होगा उतना अच्छा रहता है ये। इसे आप कभी भी विंटर सीजन में पी सकते हैं, सर्दी खांसी बुखार है तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा ये पीना। ये एक हर्बल टी है। अब इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी। गुड़ आप अपने इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और गुड़ का घुलने पर हम इसमें, गुड़ जब अच्छे से घुल जाएगा इसमें चाय में, तो हम चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती एकदम थोड़ा सा ही यूज़ करना है, और एक बॉईल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे चाय पत्ती को इसमें, क्योंकि चाय पत्ती कड़वा हो जाता है, और चाय पत्ती जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो हम इसे ज़्यादा देर इसलिए नहीं पकाते हैं। अब एक बॉईल आ गया है, ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे, और इसे कप में ले लेते हैं, छान लेंगे इसे हम छलनी से। ये देखिए कप में इसे अब मैं छान लेती हूँ। ये देखिए कप में मैंने छान लिया है। ये हमारा बनके तैयार है तुलसी अदरक की चाय, जो कि विंटर सीजन में पिया जाता है। आप वैसे और अदर सीजन भी पी सकते हो, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको मेरी ये चाय की रेसिपी कैसे लगी फ्रेंड, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे अगले रेसिपी में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।